अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे की गुर्दा और कलेजी का सालन आसान तरीके के साथ। आप भी ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर मेरा आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये कलेजी है, तकरीबन 3 पाव वज़न है इसका। दिल गुर्दे मिक्स हैं, प्याज 3 अदद, हल्दी है ये 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 चम्मच, नमक है हसबी जायका, पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला साबुत, और ये तेल है 1 कप के करीब। थोड़ा सा तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, कम करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने पॉट ले लिया है, इसके अंदर अब हम ये कलेजी और दिल गुर्दे डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे कटा हुआ और पानी डालेंगे तकरीबन 2 ग्लास के करीब, क्योंकि कलेजी कम ही पकाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा पकने की वजह से ये और हार्ड हो जाती है। जितना कम बनाएंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी बनती है ये। अच्छा, इसके अंदर हमने ये पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद अब हम इसके अंदर सारे ड्राई मसाले डालेंगे। ये नमक डालेंगे अब हम इसके अंदर, हसबी जायका, जितना आपको पसंद है कम या ज़्यादा, मतलब आप जो आपका टेस्ट बड मांगे उतना आप उसमें सॉल्ट डालें। 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, कम ज़्यादा ये भी आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब, पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, बाज़ लोगों को कलेजी की थोड़ी सी स्मेल होती है और इसमें वाकई होती भी है थोड़ी सी, इसका जो ब्लड होता है इसके अंदर, तो आप इसको गर्म पानी की जगह ठंडे पानी के अंदर आप इसको भिगो दें थोड़ी देर के लिए ना, जो इसके अंदर फिर ब्लड होता है ना वो जम कर आप उसको अच्छी तरह से टैप वाटर से धोएंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, हमारी कलेजी भी गल गई है, प्याज भी गल गया है और हमारे सारे मतलब सालन तकरीबन तैयार है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। मैंने 1 कप से थोड़ा कम डाला था कि मैं इसको भून कर देखती हूँ, अगर इसके अंदर कम लगेगा मुझे तो मैं इसमें डालूँगी, वरना नहीं। मुझे लेकिन इसमें कम लगा था तो फिर मैंने वो बाकी का भी इसमें डाल दिया था। अब मैं इसको भून लिया अच्छी तरह से, ऊपर से मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। ये पिसा हुआ गरम मसाला भी मेरा अपना है, मैं अभी आपको इसकी रेसिपी दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। अच्छी बनी थी ये, जैसे आपको रोगन ऊपर नज़र आ रहा है तो थोड़ा हमारे रवायती खानों में ऐसा रोगन अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफज़ाई करने का। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।